बाबा झुमराज के मंदिर में जितना भी बलि दिया जाता है, जितने भी भक्त पूजा करने के लिए आते हैं, उन बलि में से आज तक कोई भी बलि मिस नहीं हुआ है। लेकिन आज एक ऐसा जो कि बलि मिस हो गया, जहाँ पर मिस हो गया है, आप देख सकते हैं कि पाठा का आधा गर्दन कटा हुआ है और उन्हें फिर से दोबारा काटने की कोशिश भी किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ जानने के लिए जब पंडित से बात किया गया तो वे एक अजीब ही बात बताया। वो बात क्या बताया जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के छोटे से ब्लॉक में मैं आपको बाबा झुमराज के दर्शन कराने वाला हूँ। बाबा झुमराज के साथ साथ और वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे हनुमान मंदिर है, माँ दुर्गा मंदिर है, इन सारे मंदिर के दर्शन में कराने वाला हूँ। और इससे बहुत सी प्रसिद्ध बातें जो कि आपको नहीं पता, वो इन सब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम अपने फ्रेंड के साथ में निकल चुके हैं यहाँ से बाबा झुमराज की पूजा के लिए, और रास्ते में हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं पेट्रोल लेने के, और फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। और कुछ दूरी तय करने के बाद में फिर हम लोग बाबा झुमराज के नज़दीक पहुंच चुके थे। और लगभग 20 किलोमीटर के सफ़र तय करने के बाद में हम अपने पूरे फ्रेंड के साथ में बाबा झुमराज के दरबार तक पहुंच चुके हैं। ये बाबा झुमराज का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है पूजा करने के लिए। यहाँ पर हमेशा भक्तों की ऐसी भीड़ लगा रहता है। सप्ताह में यहाँ पे 3 दिन पूजा होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है। इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि आपको पूजा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मंदिर के अंदर में लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ता बना हुआ है, ताकि कहीं पर कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, कोई छेड़खानी ना हो। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाबा झुमराज का फ़ोटो ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हमने बाबा झुमराज का फ़ोटो लिया। अब देख सकते हैं जो पीले कपड़ा में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, वो बाबा झुमराज का है। और ये एक बड़ा सा घंटी लगा हुआ भक्तों बजाने के लिए। तो आप भी कभी बाबा झुमराज की पूजा करने ले जाए तो ये घंटी को ज़रूर बजाएँ, इनसे भगवान खुश होते हैं। ये वहाँ के प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हम आपको अभी और नज़दीक से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई है और कितनी अधिक गाड़ियाँ लगी हुई है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 4-व्हीलर भी बहुत दिखाई दे रहा है। तो जितने भक्तों यहाँ आते हैं गाड़ी से, वो सारी गाड़ी यहाँ पर खड़ा की जाती है। और ये बाबा झुमराज का मंदिर का एक बार आखिरी दर्शन आपको हम करवा रहे हैं बाहर से। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं ऊपर का फ्लोर अभी पेंट करने के लिए बाकी है। और इसमें छोटे छोटे और ये भगवान दिखाई दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश जी है। और ये मंदिर का मेन गेट है, जिसके अंदर में श्री पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हम भीड़ में आ गया कि आपको श्री हनुमान जी का दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हनुमान जी पाँच मुख वाले यहाँ पर है। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर धूप जल रहा है, जहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ। आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही खूबसूरत देखने को लग रहा है। और यहाँ का मंदिर जो है, मंदिर के नीचे हर तरफ टाइल्स लगा हुआ है, जहाँ पे गंदगी जरा सा भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे भक्त आते हैं श्री हनुमान जी का दर्शन करके, धूप अगरबत्ती जला के यहाँ से माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप एक बार और हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। आप जब भी झुमराज थाना आइएगा तो श्री हनुमान जी का, ये माँ दुर्गा का मंदिर है, देखने कितना खूबसूरत। और ऊपर में भारत माता बना हुआ है, जिनकी दोनों ओर शेर है। और ऊपर में जय, और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। हम देख सकते हैं मंदिर में कोई परिक्रमा नहीं बना हुआ है, माँ दुर्गा का 2 फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे पंडित जी है, जो कि भक्तों के। ये हनुमान जी का मंदिर बाहर से देखने में और कितना खूबसूरत लगता है, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत इनमें छोटे छोटे भगवान देवी देवता बने हुए, वो देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो और अब हम आपको दिखाने वाले वो स्थान जहाँ पर बलि दिया जाता है, जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, वो जितने पाठा गजते हैं उन सबका बलि यहाँ पर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जगह को यहाँ पर कितना खून ही खून चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और उनसे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर रस्सी दिखाई दे रहा है, जिनसे कि बलि देने वाले पाठा के गले में बंधा रहता है। तो इनका सफाई करना यहाँ के बहुत ज़रूरी था। यहाँ का जो भी अधिकारी है, जो इनका सदस्यगण है, उन लोगों को इस जगह की सफाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये खून जम जाने के बाद में बहुत ज़्यादा बदबू देता है।
आप देख सकते हैं कितना आसानी से सिर्फ एक हाथ से बकरे को पाठा को पकड़ के उनका इतना आसानी से बलि दे दिया जा रहा है। यहाँ पर भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हर कोई लाइन में खड़ा है अपने अपने पाठा को बलि देने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी यहाँ पे बलि होगा उतना जल्दी उन लोगों का पूजा पाठ कंप्लीट होगा और वो लोग खा पी के अपने और अब एक ऐसी अनहोनी आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि यहाँ पे कभी नहीं हुआ था। आप वीडियो में देखे थे कितना आसानी से हर पाठा को काट दिया जा रहा था, लेकिन एक पाठा देखो मिस कर गया जो कि आधा गर्दन कटा हुआ और आधा लगा रह गया। उनको फिर से दोबारा काटने की कोशिश किया जा रहा है, उनके पैर को दाब के फिर से उनको दोबारा काटा गया। तो ये कुछ मिस्टेक हुआ होगा काटने वाले से, या फिर इनके पूजा में कोई तरह की त्रुटि रह गई होगी जिसके कारण ऐसा मिस्टेक हुआ है जो कि यहाँ पर कभी नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं वो पाठा का माथा दिखाई दे रहा है जिसमें कि आधा काटा हुआ निशान दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे और जितने भी पाठा जिन्हें काटा जा रहा है वो कितना आसानी से काट दिया। अब आप देखिए इस दुकान में कितना यहाँ पे पूजा के सामान है, यहाँ पे देखिए घर में लगाने वाला सामान है, यहाँ पे सिंदूर वगैरह हाथ में टैटू बनाने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरह यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो कि चलता फिरता दुकान है, चलता फिरता इसलिए क्योंकि ये लोग दिन में यहाँ दुकान लगाते हैं, फिर भीड़ ख़त्म होने के बाद में ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और ये लोग सप्ताह में तीन दिन दुकान लगाते हैं जिस दिन यहाँ पूजा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की दुकान भी बहुत लगी हुई है, यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो हम चलते हुए बना रहे इसके कारण थोड़ा क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा और कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। बाबा जुमराज के इस मंदिर पे आपको उपयोग होने वाली हर चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए अंगूठी है और यहाँ पे अंगूठी बनाया जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो एक बार यहाँ के पूरे मंदिर में ज़रूर घूमें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुआ भी चलता जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ के प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जुआ खेलने में यहाँ पर कभी लड़ाई भी हो जाता है तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और भीड़ देख सकती है पुल पर कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे जुआ वाले वीडियो नहीं बनाने देता है, फिर भी हम एक छोटा सा आपको क्लिप दिखा रहे हैं, देखिए वो लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। इस बच्चे का आइसक्रीम खाने का स्टाइल बहुत ही अलग है, आप देखिए वो कैसा हाथ से आइसक्रीम को बराबर कर रहा है और वो खा बिल्कुल भी नहीं रहा। और इस तरह हम लगभग दो मिनट से देख रहे हैं वो इसी प्रकार करता है और फिर चम्मच को चाट लेता है, लेकिन वो आइसक्रीम खाता ही नहीं है। आप ध्यान से देखिए। और सारे पूजा पाठ होने के बाद में खाना पान होने के बाद में हम लोग सारे फ्रेंड यहाँ से निकल जाएंगे अपनी गाड़ी से। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पुल यहाँ खाली हो चुका जहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहा था, और सारे फ्रेंड यहाँ से निकल चुके हैं। तो आप जब भी यहाँ पे कभी आएँ झुमराज बाबा के यहाँ पूजा करने के लिए तो फिर आप इन सभी प्रसिद्ध मंदिरों में जाके एक बार दर्शन जरूर करें क्योंकि ये यहाँ के बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। और अब अंतिम में चलते चलते हमसे हनुमान जी का और बाबा झुमराज का दर्शन आपको करा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों मंदिर आमने सामने दिखाई दे रहा है। बाबा झुमराज इसी प्रकार सारे भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करते रहना। अलविदा बाबा झुमराज, अपने सभी भक्तों का मनोकामना हमेशा पूरा करते रहना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।